रही बड़ी खबर के साथ करेंगे, जहां केजीएमयू में दलाली के खेल का पर्दाफाश हुआ है। 5 डॉक्टर्स को बर्खास्त करने की कार्रवाई की गई है। निजी अस्पतालों के लिए दलाली करते थे, साथ ही साथ आपको बताते चले कि मरीजों को निजी अस्पताल में भेजते थे, ट्रामा सेंटर से दूसरे अस्पताल भेजते थे और जांच में दोषी मिलने पर 5 डॉक्टर्स को बर्खास्त करने की ये बड़ी कार्रवाई की गई है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं लखनऊ से, जहां केजीएमयू में दलाली का खेल चल रहा था और अब इस खेल का पर्दाफाश कर दिया गया है। इसी कड़ी में आपको बताते चले कि 5 डॉक्टर्स को बर्खास्त कर दिया गया है। जानकारी यह भी मिल रही है कि निजी अस्पतालों में दलाली ये 5 डॉक्टर्स करते थे, जिसके बाद से ये बड़ी कार्रवाई की गई है और अब इन 5 डॉक्टर्स को बर्खास्त कर दिया गया है। आपको बताते चले कि मरीजों को निजी अस्पताल ये डॉक्टर्स भेजते थे। और चलिए इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ लखनऊ से मेरे सहयोगी तुषार श्रीवास्तव जुड़ चुके हैं। तुषार, दलाली का खेल यहां पर चल रहा था, बड़ा पर्दाफाश हुआ है, इसी के तहत 5 डॉक्टर्स को बर्खास्त करने की कार्रवाई की गई है। बिल्कुल पल्लवी, आपको बताऊं तो केजीएमयू में जो मरीजों का दबाव है, उस वजह से उसका फायदा उठाकर ये डॉक्टर प्राइवेट अस्पतालों में मरीजों को भेज दिया करते थे। खतरा के केडी अस्पताल में महिला की मौत के बाद केजीएमयू प्रशासन ने ये सख्त रुख अपनाया है। आपको बताऊं तो डॉक्टरों की जो सेवाएं हैं उसको पूरी तरह से समाप्त की गई है। केजीएमयू प्रशासन कहना है कि इन डॉक्टरों की ट्रामा सेंटर से मरीजों को दूसरे अस्पतालों में शिफ्ट करने का खेल में संलिप्तता पाई गई है, जिसके बाद ये कार्रवाई की गई है। खतरा के केडी अस्पताल लखीमपुर निवासी आशा कार्यकर्ती थी पूनम मौर्य, जिनकी मौत हो गई थी। पति सिंहपाल ने गलत इलाज का आरोप लगाकर सीएमओ से शिकायत की और मामले में जब तुल पकड़ा, छानबीन की गई तो केजीएमयू के ईएनटी विभाग के रेजिडेंट डॉक्टर रमेश कुमार ने केडी अस्पताल में पूनम का इलाज किया था, जिसके बाद उसकी मौत हो गई थी। जांच में दोषी पाए जाने के पर केजीएमयू ने 2 दिन पहले डॉक्टर रमेश को निष्कासित कर दिया था। अब इसके बाद केजीएमयू प्रशासन ने इसमें गुपचुप तरीके से जांच कराई और जांच में पाया कि ये जो 5 डॉक्टर हैं, ये जो अस्पतालों में डॉक्टर आते हैं केजीएमयू में, जो मरीज आते हैं केजीएमयू, उनको निजी अस्पतालों में शिफ्ट कर देते हैं, जिसके बाद इन डॉक्टरों के ऊपर बर्खास्तगी की कार्रवाई की गई है। चलिए ठीक है।